हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम 2019 में आपका टीयर टू एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरीके से होगा उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न हम लोग देखेंगे टीयर टू का। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे टीयर वन का एग्जामिनेशन, उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टीयर टू एग्जामिनेशन देने के लिए और उन सब कैंडिडेट का यहाँ पे टीयर थ्री भी होगा। तो टीयर थ्री में यहाँ पे होने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। 50 में से मिनिमम आपको यहाँ पे 20 नंबर लेके आना होगा। तो यहाँ पे टीयर टू एग्जामिनेशन जो आप जो देख पा रहे होंगे, आप क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे आप देख पाओगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 20 है। तो आपको मिनिमम यहाँ पे 20 नंबर्स तो लेके आना ही है और यहाँ पे 40+10 तो यहाँ पे 50 में से आपको 20 मिलेंगे। और टीयर टू के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे उन सारे कैंडिडेट का यहाँ पे टीयर थ्री एग्जामिनेशन भी होगा और टीयर वन और टीयर थ्री के नंबर्स मिला के आपकी मेरिट यहाँ पे बढ़ने वाली है। 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपका ट्रांसलेशन होगा पैसेज का, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी। 500 वर्ड लिमिट का आपको पैसेज दिया जाएगा। अगर आपको नहीं आता है किस तरीके से ट्रांसलेट करना है इसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे। इसके बारे में कुछ टिप्स भी मैं दूंगा इसी वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो टीयर टू एग्जामिनेशन होगा जैसे कि हमने बात कर ली है, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। 50 में से 20 नंबर यहाँ पे लेके आना होगा आपको और कोई भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ नहीं लगेगी। सभी कैटेगरी के लिए एक ही कट ऑफ होगी, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओपन के लिए। मैंडेटरीली आपको यहाँ पे 20 नंबर तो लेके आना ही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देयर इज नो कट ऑफ फॉर टीयर थ्री एग्जामिनेशन। तो टीयर थ्री एग्जामिनेशन के लिए भी कोई कट ऑफ नहीं है बट टीयर टू एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे 50 आउट ऑफ 20 यहाँ पे आपको लेके आना है। ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन टीयर टू एग्जामिनेशन वुड बी प्रोविजनली एडमिटेड इन टीयर थ्री। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जो कैंडिडेट टीयर टू एग्जामिनेशन के बुलाए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टीयर थ्री के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। क्योंकि जो 40 नंबर का आपका जो दे रखा है इसमें काफी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। जो 40 नंबर्स का आपको दिया है ट्रांसलेट करने के लिए जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन उसमें 40 आउट ऑफ है बट आपकी जो कट ऑफ लगने वाली है वो लगने वाली है 50 आउट ऑफ। तो जितने भी कैंडिडेट्स है वो प्रोविजनली यहाँ पे आपको एडमिटेड किए जाएंगे टीयर थ्री एग्जामिनेशन में और जिसमें आपका 10 नंबर का जो है आपकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखी जाएंगी और 50 में से अगर आपको 20 नंबर आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यूज के मार्क्स और आपके टीयर वन के मार्क्स मिला के यहाँ पे आपकी मेरिट लगने वाली है। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स व्हेन कॉल्ड फॉर टीयर थ्री। टीयर थ्री के लिए जब आपको बुलाया जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए तो आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करना होगा, लेके जाना होगा ओरिजिनल्स विद फोटोकॉपीज। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका मेडिकल चेकअप और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको जो है अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है। इसके बारे में अगर आपके और कुछ डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन किस तरीके से आपका होगा। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा इंग्लिश टू हिंदी। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर दी हो तो किन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा एनालाइज द डिटेल एग्जाम पैटर्न एंड कंप्लीट सिलेबस। उसके बारे में आपको डिटेल देखना है कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको उसका स्टडी प्लान बनाना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे आपको जो है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के डेली पैसेजेस आपको पढ़ना होगा, आर्टिकल्स आपको पढ़ना होगा और उसके बाद आपको हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर रूल्स को पढ़ना होगा, उसके वोकैबुलरी को आपको बढ़ाना होगा। जितने ज्यादा शब्द आप जानोगे हिंदी या इंग्लिश के उतना ही बेहतर होगा। किसी पैसेज को ट्रांसलेट करते टाइम आपके जो वोकैबुलरी एंड आपके ग्रामर रूल्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है वर्क ऑन योर ट्रांसलेशन स्किल्स और उसके बाद में आपको वर्क करना है, काम करना है आपके ट्रांसलेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में। किस तरीके से आप इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट करते हो उस पर आपको काम करना है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट और उसके बाद में जब भी आपको कोई पैसेज दिया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए उससे पहले आपको जो है प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको एक बार ही उसको प्रैक्टिस करना है और मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो ये था गाइस एक वीडियो आपको अपडेट देने के लिए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है, सारे कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।